शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने फिर से मुझे मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। बहुत बहुत शुक्राना कुसुम आंटी का, अंजलि आंटी का, गुरु जी महाराज का, जिन्होंने आप लोगों को जरिया बनाया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। पिछली बार मेरे से गलती से कुसुम आंटी ने मुझे मौका दिया बट मेरे से डिलीट हो गया और मुझे नहीं पता था कि वो कैसे करते हैं। तो मैंने इस बार फिर से कुसुम आंटी से बोला कि मुझे सेवा चाहिए। तो शुक्राना आंटी का कि आंटी ने मुझे फिर से मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि शुरू से स्टार्टिंग मेरी लाइफ जर्नी। मेरी लाइफ जर्नी, आई एम अ विडो ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। मेरे दो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी जब मैं पहले 2011 से मैं दिल्ली में हूँ। मेरा ब्रिंग, मेरा बॉटअप दिल्ली का ही है। मेरे पेरेंट्स विकासपुरी में है। तो मेरी मैरिज एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी एंड 2010 में उनकी डेथ हो गई थी। तो 2011 में मैं जब दिल्ली आई तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं रोती रहती थी, गुस्सा होती थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन था मेरे अंदर। मतलब मैं बच्चों की तरफ नहीं देखती थी। मेरे दो बच्चे हैं, मैं बच्चों की तरफ बिल्कुल नहीं देखती थी। सिर्फ बेड पर बैठकर रोती रहती थी, वॉल पर देखती रहती थी। और मुझे बहुत गुस्सा, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इतना आता था कि मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती थी। बट फिर मुझे, मैं द्वारका में ही रह रही थी फर्स्ट थ्री इयर्स। 2011 से 13 तक मैं कैंट एरिया में रही हूँ क्योंकि एसएफ क्वार्टर्स मिलते हैं आर्मी का, कुछ आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं। उसके बाद 2013 में आई हैव शिफ्टेड टू द्वारका। देन बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी मुझे। मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट किए थे। बहुत ज्यादा दवाइयां खाती थी मैं, 8 to 9 मेडिसिन खाती थी। मुझे दवाई के बिना बिल्कुल नींद नहीं आती थी। फिर मेरे लैंडलॉर्ड ने, मेरी लैंडलॉर्ड ने मुझे गुरुजी के दरबार में, गुरुजी का के बारे में बताया। तो मैं धीरे धीरे, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी है, आप उनके पास जाओ, वो आपका ये प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल ठीक कर देंगे। बट पहले हम जो नेचुरल ह्यूमन नेचर होता है कि हम डरते हैं कि हम किसी बाबा के पास जाएं, किसके पास जाएं। बट फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, वहां कोई बैठते नहीं है, सिर्फ गुरुजी के फोटो, जो फोटोज, पहले हम फोटोज ही बोलते थे बट जो स्वरूप लगे हुए हैं, सिर्फ गुरुजी के स्वरूप है और उनकी गद्दी लगी है। तो मैंने कहा जस्ट ठीक है, हम जाके, मैं जाके देखती हूँ। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया जाना। मेरे साथ कोई भी नहीं जाता था, मेरे बच्चे नहीं जाते थे, बट मैं धीरे धीरे गई। तो मुझे वहां जाके बहुत ही अच्छा फील हुआ। मतलब ऐसा लगा कि वाओ, मतलब ऐसा भी कोई मंदिर है, इतना पीसफुल, इतना अच्छा, मतलब इतना इतना डिसिप्लिन। वहां कोई चढ़ावा नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई पंडित नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मतलब वहां ऐसा लगा जैसे मन को बहुत शांति मिली। तो मुझे गुरुजी, मतलब मुझे फिर उन्होंने, उन्हीं आंटी ने, मेरे लैंडलॉर्ड लेडी ने मुझे धीरे धीरे बताया कि आप ना सत्संग जाना शुरू करो। बट मुझे सत्संग का आइडिया नहीं था द्वारका में। तो मेरे पास एक मेल, मतलब मेरे पास फेसबुक पे मैं जस्ट क्रॉल करती थी, तो गुरुजी के बारे में पढ़ती थी। तब मैंने एक आंटी के बारे में पढ़ा, उन्होंने मिरेकल्स ऑफ गुरुजी बुक लिखी है, स्वातिपुरी आंटी। तो उन्होंने फेसबुक पे सबको मैसेज किया, मतलब फेसबुक पे मैसेज छोड़ा कि किसी को अगर बुक चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिए। तो मैंने मेल किया और उसके बाद मेल करने के बाद मेरे पास मेल का कोई भी रिटर्न कॉन्टेक्ट नहीं आया, मेल से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ मेरा। तो फिर मैंने दोबारा उनको मेल किया कि मेरे पास आपकी कोई भी पीडीएफ फाइल नहीं आई है। उन्होंने कहा अगर मिरेकल्स ऑफ गुरुजी की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे ले लो। तो मैंने फिर से किया, तो फिर उन्होंने दोबारा भेजी। तो फिर मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट किया, मैंने कहा आंटी आप मुझे बताओ यहाँ पे द्वारका में कोई सत्संग होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया और धीरे धीरे फिर सत्संग में जाना शुरू किया। शशि आंटी,
विशाखा आंटी, ये सब आंटियों ने, आंटियों से मैं मिली, मुझे इन्होंने गुरुजी से जोड़ा। मतलब मैंने धीरे धीरे सत्संग जाना शुरू किया। मुझे सत्संग जाना इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता है कि जैसे वो मेरी सोल की भूख है। मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी ही मेडिसिन है। तो मुझे आज भी यही लगता है, मैं सत्संग बहुत जाती हूँ, मिस नहीं करती। बहुत कम होता है जब मैं मिस करती हूँ, ज्यादातर मिस मेरे सारे दूर वाले होते हैं, पास वाले नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और धीरे धीरे सत्संग में जाने से मेरे जो पॉजिटिविटी, मेरी जो अंदर जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे कम हो गई, पॉजिटिविटी में बदलने लग गई। और मैंने धीरे धीरे जल प्रसाद गुरुजी का, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया, फिर गुरुजी के दरबार भी एवरी वीक जाती थी मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मुझे अच्छा पॉजिटिविटी फील, पीसफुल लगता था, क्योंकि वहां जाके मुझे कोई भी थॉट्स नहीं आते थे। तो धीरे धीरे इस तरह से मेरी जो मेडिसिन भी है वो भी काफी कम हो गई थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने घर में, इस घर में गुरु जी का सत्संग करना शुरू किया, सत्संग शुरू किया, संगत आने लगी। फिर धीरे धीरे गुरु जी ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला कि मुझे गद्दी लगानी है, और मैंने गुरु जी का एक रूम बनाया और मैंने 2018 में गुरु जी की गद्दी गुरु पूर्णिमा में लगाई, जो ये आपके सामने है कि दरबार जो है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी के साथ बैठना, गुरु जी से बात करना। मैं दिन रात, मेरी सुबह भी गुरु जी के साथ होती है, शाम भी गुरु जी के साथ होती है, मैं दिन भर यहाँ बैठ के पाठ करती हूँ, गुरु जी से बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील होती है कि आज की डेट में मेरी सारी मेडिसिन छूट गई है। तो शुक्राना महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज जब देखती हूँ कि मेरी लाइफ पहले क्या थी और आज क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं दो लाइफ जी रही थी। पहले की लाइफ इतनी खराब, इतनी डिप्रेसिव, इतनी फ्रस्ट्रेशन में, इतने गुस्से में, और आज की डेट बिल्कुल डिफरेंट है कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ है, मेरे जो बैठे हैं गुरु जी वही सब कुछ है। बहुत बहुत चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, मतलब मुझमें पॉजिटिविटी आ गई, नेगेटिविटी चली गई, बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ। मुझे कोई किसी से बात नहीं करती ना, मतलब मुझे लगता है कि मेरा कोई भी किसी से बात नहीं करती थी, मैं नेबर से, कोई मेरी फ्रेंड नहीं थी। और आज के टाइम में मुझे द्वारका की पूरी संगत जानती है, वो मेरा परिवार है, वो मेरा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं, ज्यादा अच्छा परिवार है मेरा। तो मुझे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, बस किसी से पूछो तो सब मुझे बता देते, कुछ भी पूछो। और गुरु जी के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बन गया है संगत जी मेरा, कि मेरे कि मैं कुछ भी अगर बोलती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ तो वो हो जाता है। मैं अगर इतना ही बोलती हूँ, मेरा बहुत मन करता है, तीन चार दिन अगर सत्संग नहीं होते तो मेरा बहुत मन करता है कि गुरु जी प्लीज कहीं से एक सत्संग का मैसेज भेज दो, मुझे बहुत मन कर रहा है। और संगत जी आप इमेजिन नहीं करोगे कि विद इन सेकेंड्स मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ और उसमें सत्संग का मैसेज होता है। तो जय गुरु जी। गुरु जी आपकी बहुत छोटी छोटी बातें बहुत सुनते हैं, और मैं अपने बच्चों का सत्संग सुनाती हूँ। मेरे बच्चों का जो सत्संग है, मेरी बेटी, दो बच्चे हैं, बेटी मेरी 12th में है, बेटा मेरा 10 ईयर्स का है। तो बेटी जब डेथ हुई मेरे हस्बैंड की, तो शी वॉज शॉक्ड, बिकॉज बेटियां जो है वो फादर से बहुत क्लोज होती हैं, तो वो बहुत चुप रहने लगी थी, उसको वो ही बहुत टाइम लगा उसको निकालने में, और वो पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज थी। बट आज की डेट में शीज, मतलब वो जो बच्चा 40% लाता था, अभी वो 10th में 78% मार्क्स लेकर आया। तो शुक्राना गुरुजी का। और अभी भी वो 12th में है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है। उसका वेट बहुत इशू था, 83 kgs था, तो हमें बहुत इशू था, तो हम उसको समझाते थे, बट वो धीरे धीरे उसको गुरुजी ने अपनी तरफ कर लिया और उसने वेट की तरफ ध्यान दिया। पहले मैं पहले से गुरुजी से जुड़ने से पहले ही बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत करती थी।
और मैं हवन भी कराती थी, बट मेरी बेटी कभी भी हाथ नहीं जोड़ती थी। और आज की डेट में मेरी बेटी गुरु जी की इतनी अच्छी भक्त है कि वो हर जगह जाती है सत्संग में, तो बड़े मन से प्यार से सेवा करती है। तो ये सब गुरु जी का शुक्राना है कि वो बच्चों को भी अपने साथ साथ लगा लेते हैं। और संगत जी, मेरा ये है कि मैं जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उससे पहले मैं भगवान जी को, शिव भगवान जी को, हनुमान जी को बहुत मानती थी, बट लेकिन डेथ के बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब मैंने ये कहा कि नहीं, भगवान नहीं है, बट लेकिन जब गुरु जी आए तब समझ में आया कि नहीं, वो भी कुछ अच्छे के लिए हुआ है। अब सब कुछ अच्छा, मतलब हम सोचते हैं ना कि सब अच्छे, अच्छा सोचो तो अच्छा ही हुआ, तो वो सोचते कि कुछ बुरा हुआ है तो उसमें भी कुछ भगवान की भलाई होगी, बट हमें उस समय समझ नहीं आता। अब मैं बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। बेटा जो है मेरा, वो सिक्स सेवेंथ में आ गया है, पास हो गया है, तो वो भी ऐसा ही था, उसने फादर को नहीं देखा। मतलब देखा है, ही वॉज जस्ट 1.5 ईयर्स ओल्ड जब फादर की उसकी डेथ हुई, तो वो उसने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया फादर के साथ, उसको नहीं पता था। तो बट लेकिन उसको भी धीरे धीरे टाइम लगा, और वो उसको गेम क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो अभी लास्ट मंथ उसने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी थी, लास्ट मंथ क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी थी वेंकटेश्वर सेक्टर 10 में। तो उसका एक मैच था, टूर्नामेंट था, तो उसने फाइनल्स जीता, और उसने वो फाइनल्स में ट्रॉफी जीत के लाया, एंड उसकी पूरी टीम के साथ न्यूज़पेपर में फोटो खींची है। तो ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गुरु महाराज जी कर सकते हैं, सिर्फ गुरु महाराज जी। तो मेरे बच्चे गुरु जी से कनेक्ट है, छोटा नहीं है, बट हाँ ये बड़े मंदिर जाता है, सत्संग भी जाता है, सत्संग में बैठता नहीं है, मोबाइल खेलते हैं, बट फिर भी प्रसाद खा लेता है। और बड़ी बेटी तो बिल्कुल कनेक्टेड है। तो ये बच्चों को जाने का जो रास्ता दिखाया, वो भी गुरु जी ने दिखाया। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, हर दिन हर पल शुक्राना है, हर दिन। गुरु जी का सत्संग बहुत सारे हैं कि मेरे घर में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। रोटियों पे ओम बनते हैं गुरु जी के, मुझे बटरफ्लाइज दिखती हैं, हर काम से पहले बटरफ्लाइज दिखती हैं। मतलब मेरा जो, मतलब मैं आपको बताती हूँ, लास्ट वीक जो सत्संग था, जो सत्संग शेयर किया था मैंने, जो मुझसे डिलीट हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुसुम आंटी ने मुझे किसी क्या बोला कि सत्संग चलना है। आंटी खुद भी जा रही थी, मुझे भी जा रहे थे, और उन्होंने उससे पहले बोला था मुझे कि तुझे तो आंटी आपको सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा ठीक है, बट मुझे ये था कि मुझे जाना है, सत्संग जाना है, मुझे एक बार सत्संग में मन कर रहा है। और मुझे ये नहीं मालूम कि गुरु जी ने वहां पर, मैं उस दिन डॉक्टर क्या गई, जब कुसुम आंटी से बात हुई तो डॉक्टर क्या मुझे बटरफ्लाई दिखी, कि बटरफ्लाई दिख गई कि गुरुजी ने कहा हाँ तू चल, तुझे जाना है, तेरा मन है, तुझे तू जाने दो। फिर मैं कुसुम आंटी के घर गई, तो कुसुम आंटी के घर के नीचे मैं वेट कर रही थी, तब भी मैं बोल रही थी कि गुरुजी मुझे सत्संग में आना है, प्लीज आप मेरी तबीयत ठीक रखना। और उस दिन भी मुझे वहां नीचे बटरफ्लाई दिखी, तो गुरु जी कहते कि ना तू घबरा मत, मैं कुड़िए तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी हर पल हर वक्त साथ होते हैं आपके। और मुझे, मतलब आज की डेट में मेरी दवाइयां सब छूट गई हैं, तो मैं बताती हूँ कि गुरबाणी का, संगत जी प्लीज गुरबाणी आप सुनिए, गुरबाणी में बहुत पावर होती है, गुरबाणी बहुत बहुत फायदा करती है। कई संगत कहती है कि मुझे गुरबाणी समझ नहीं आती है, तो आप मुझे एक बात बताओ, गुरुजी कहते हैं गुरबाणी में मैं सारे जवाब देता हूँ तुम्हारे, गुरबाणी सुनो, गुरबाणी लगा के रखो, आपके घर में पॉजिटिविटी हो रहेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगी। गुरुजी कहते हैं कि आप मुझे बताओ, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको बीमारी, जो आपकी बीमारी होती है उसकी दवाई देता है, तो आप दवाई खा लेते हो, आपको पता होता है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, नहीं होते ना, लेकिन आपको डॉक्टर पे विश्वास है इसलिए आप दवाई खाते हो। तो वैसे ही आपको भी अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए ना, कि गुरु जी ने आपको कुछ बोला है कि ये सुनना है तो आपको सुनना है, इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए कि नहीं हमें समझ नहीं आती, हम तो भजन सुनेंगे, भजन भजन में ज्यादा आनंद आता है, भजन अपनी जगह है संगत जी, गुरबाणी अपनी जगह।
तो गुरु जी बोलते हैं कि गुरबाणी सुनो, तो आपको गुरु पे विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु ने मुझे ये बोला है कि गुरबाणी सुननी है तो मैं गुरु की बात मानूंगा। तो गुरु की बात मानिए, गुरबाणी सुनिए, गुरबाणी सुनो। अब आप इतनी सारी अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप एक एग्जाम्पल देखो, जब आपकी ट्रेन जो है जारी होती है ट्रैक्स पर, तो बीच में एक पोर्शन आता है जहां पर घुस जाती है अंदर केव के अंदर और अंधेरा होता है, तब आप क्या करते हो? आप टिकट फेंक देते हो, आप बाहर निकल जाते हो, आप कूद जाते हो? नहीं ना, क्यों? क्योंकि आपको उस ड्राइवर पे भरोसा होता है। तो ऐसे आपको अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, कोरोना भी है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, तो घबराइए मत संगत जी, गुरु पर विश्वास करिए। वो डार्क है, तो गुरु जी कहते हैं कि जब तुम उस ट्रेन के ड्राइवर पे विश्वास करते हो, नहीं कूदते हो, तो अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा अंधेरा दिया तो तुम क्यों डर के भाग रहे हो? तुम उस पर गुरु जी पे डट के फेथ स्ट्रांग रखिए, विश्वास रखिए कि गुरु जी आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। और क्या, और बहुत सारे स्वरूपों पे, मतलब मेरे तो इतनी ब्लेसिंग्स है कि मैं गुरु जी के स्वरूप पे तिलक लगाती हूँ तो भी ओम दर्शन देते हैं, चैत वर्षा होती है, कभी घी वर्षा होती है। अब मेरी ये अलमारी, एक गोदरेज अलमारी है संगत जी, उसपे मेरे पुराने स्पीकर्स रखे हुए थे, और ये मेरा दरबार है, मैं यहाँ पे घी का दिया जलाती हूँ। और मैं एक दिन स्पीकर्स साफ करने, ऊपर डस्टिंग करने चढ़ी तो स्पीकर पे कुछ गीला गीला लगा हुआ था। अब मैंने देखा, टच किया, और फिर मैंने देखा क्या है, फिर मैंने उसको स्मेल किया। आप इमेजिन नहीं करोगे संगत जी, उसपे देशी घी की स्मेल आ रही। आप ये सोचो, गोदरेज अलमारी जो होती है वो इतनी बड़ी, इतनी हैवी, उसके ऊपर कोई सामान रखा है, उसके ऊपर घी, घी उसके ऊपर कहाँ से आएगा? बट लेकिन ये हमारी सोच से बिल्कुल अलग है, ये गुरु जी की लीला है। गुरु जी जो करते हैं वो गुरु जी ही जानते हैं, तो गुरु जी ही कर सकते हैं ये सब, और कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं, हमें नहीं, हम तो लॉजिक ही लगाते रहते हैं, यार इतने ऊपर कैसे घी आ गया? बट ये गुरु जी का ही वो है कि गुरु जी की ही ब्लेसिंग है, जो हर तरीके से, अलग अलग तरीके से देते हैं गुरु जी। तो संगत जी ये, और एक मैंने ये भी बात सुनी है कि संगत सब बोलती है कि नहीं, आप हमसे ज्यादा ब्लेस हो, हम कम ब्लेस है। नहीं संगत जी, हर संगत ब्लेस है, हर संगत को गुरु जी, हर संगत गुरु जी की ब्लेस संगत है, हर बच्चा गुरु जी का ब्लेस बच्चा है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने के तरीके अलग अलग है, बस आपको ब्लेसिंग्स लेनी आनी चाहिए संगत जी, आपको ब्लेसिंग्स लेनी आनी चाहिए। गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी को दर्शन देके देते हैं, किसी को ड्रीम में दर्शन देते हैं, किसी को स्वरूप में दर्शन देते हैं, किसी को चोले पे दर्शन देते हैं, किसी को सेवा बख्शते हैं, किसी को कुछ सेवा बख्शते हैं, किसी को मंदिर की सेवा बख्शते हैं, किसी को संगत की सेवा बख्शते हैं, किसी को घर की सेवा, किसी को पिक एंड ड्रॉप की सेवा बख्शते हैं कि संगत सत्संग जा रही है तो आपको कोई हेल्प कर रहा है छोड़ने में, कोई लेने में, वो भी एक सेवा है। तो आप ये मत सोचिए कि आप ब्लेस नहीं है, आप सब ब्लेस बच्चे हैं गुरु जी के, और गुरु जी आपने गुरु, और ये भी एक गलत फहमी है संगत की कि हमारे गुरु जी हमने चुना, नहीं हमने नहीं चुना गुरु जी को, गुरु जी ने हमें चुना है। हम होते कौन है चुनने वाले? गुरु जी चुनते हैं हमें, गुरु जी ने इतने करोड़ों लोगों में से हमें चुना है, हम कितने ब्लेस्ड सोल है। तो संगत जी कभी भी ये मत कहिए कि नहीं हमने गुरु को चुना है, हम गुरु को नहीं चुन सकते, गुरु ने चुना है। और कभी भी बस हमेशा ये बोलिए कि गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़िए, क्योंकि हम आपका हाथ पकड़ेंगे, हम ह्यूमन है, हम इंसान है, हम आपका हाथ छोड़ देंगे, बट हमें पता है आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए गुरु जी को बोलिए, गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ के रखिए। और कभी भी संगत जी जो आपको सेवा मिल रही है, जो आपको गुरु जी सेवा बख्श रहे, उस सेवा का कभी भी घमंड मत करिए, उस सेवा को कभी भी ये मत बोलिए किसी के आगे, हाय मुझे ये सेवा मिली है, हाय वो सेवा, नहीं वो सेवा, ये सेवा सेवा है ही नहीं फिर अगर आप उसका बखान करेंगे। वो सेवा आपकी है, आपको ब्लेस करने का तरीका है गुरु जी का, आपको सेवा बख्शी है,
सेवा करने के बाद भी आप नीवा रहते हैं तो वो असली सेवा है। अगर आप सेवा करने के बाद भी आप गाते फिरेंगे दुनिया भर में, नहीं जी मुझे ये सेवा मिली, मुझे वो सेवा, नहीं, तो वो सेवा का जो आपका जो वो है, आपको जो ब्लेसिंग मिली है सेवा से, वो सब नील हो जाएगी। इसलिए कभी भी अपने आप पर, अपनी सेवा पर घमंड मत करिए, क्योंकि वो आपकी सेवा नहीं है, वो गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है, इसलिए आप कर रहे हो। हम नहीं कर रहे, हम अपने आप से कुछ नहीं करते, गुरुजी चुनते हैं तो हम सेवा करते हैं। गुरुजी के बिना तो संगत जी कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम हमारी क्या औकात कि हम सेवा कर सके। इसलिए हमेशा गुरुजी के आगे नतमस्तक हो जाइए कि गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना, बस हर दिन सुबह शाम शुक्राना बोले। शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता। मतलब आप आज की डेट में देखिए संगत जी, आप सब कितने कोरोना के पेशेंट्स हैं, कितने लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट है, बट हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे सर के ऊपर छत है, दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, ये सुबह उठकर हम देखते हैं कि हम सही सलामत है, हमारी आंख खुली, हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास एसी है, हमारे पास बेड है सोने के लिए। अपने से घमंड आए भी ना संगत जी, तो कभी कभी घमंड आए ना, तो अपने से नीचे वालों को देखिए कि हमसे नीचे वाले कितने लोग हैं जो इस समय आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जो जीना चाहते हैं कि हमें डॉक्टर बचा लो, हम जीना चाहते हैं, लेकिन नहीं, उनके पास टाइम कम है। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, मजदूर हैं, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं बिना एसी के, बिना हवा के, उनके पास सिर्फ आसमान है, छत है। तो हम ब्लेस्ड है, कितने ब्लेस्ड है हम। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि नहीं हम ब्लेस्ड नहीं है। फर्स्ट एफर्मेशन आपकी गहरी होनी चाहिए, आई एम सो ब्लेस्ड, यस आई एम सो हेल्दी, आई एम सो ब्लेस्ड। तो इसलिए गुरु संगत जी कभी भी ये मत बोलिए कि हम ब्लेस्ड नहीं है, हम बहुत ब्लेस्ड है। और क्या संगत जी, बस संगत जी इतना ही। और कभी भी निंदा चुगली मत करिए, कभी भी नहीं करिए किसी की निंदा चुगली संगत जी, क्योंकि निंदा चुगली करने से क्या होता है, आपके कर्म जो है, जो गुरु जी कहते हैं 90% कर्म मैंने ले लिए, 10% तुझे काटने, वो 10% जो कटवा रहे वो भी नहीं कटेंगे आपके, बिकॉज आप तो अपनी सेवा सिमरन सत्संग करके अपना कर्म को काट लो। बट जब आप किसी से आर्ग्यू करते हो, किसी से लड़ाई करते हो, चाहे घर में हो, घर में कई लोग होते हैं, चार लोग हैं तो चार बर्तन है खटकेंगे, बट आप इग्नोर कर दीजिए। अभी एक संगत है मुझसे बात करती है, तो वो कहती है कि नहीं आंटी हमारे घर में ना अब सब मुझसे ना खफा रहते हैं कि नहीं तुम कुछ करती नहीं हो, तुम ऐसे ही रहती हो, तो मेरी सास मुझे बोलती है, मैं आर्ग्यू कर देती। नहीं मत करिए, उससे होगा क्या, आप तो आर्ग्यू करोगे, आपके जो ब्लेसिंग है वो खत्म हो जाएगी। कर्म कटवाने हैं तो निंदा चुगली वाले लोग अपने साथ रखिए, जो निंदा चुगली करते हैं वो सही में मायने में आपके कर्म काट रहे हैं। बट लेकिन अगर आप उनसे आर्ग्यू करते हो तो क्या होता है, आपकी जो ब्लेसिंग्स होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, वो उस बंदे के पास चली जाती है जिससे आप आर्ग्यू कर रहे हो, और उस बंदे की जिससे आप आर्ग्यू कर रहे हो उस बंदे की नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। तो हुआ क्या, आपकी सारी ब्लेसिंग्स खत्म। तो प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानिए, अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ाइए, ना कि कम करिए। जो ब्लेसिंग्स है उनको संभाल के रखना आना चाहिए आपको, उनको संभाल के रखिए। किसी से आर्ग्यू मत करिए, किसी को भी बुरा भला नहीं करिए, किसी को भी नहीं। कोई अगर आपको कह रहा है आप इग्नोर कर दीजिए, या उधर से अपनी जगह बदल लीजिए और कहिए जय गुरु जी, बस दैट्स इट, कुछ मत करिए। संगत जी मेरी बेटी को किडनी में स्टोन था, और छोटा माइनर सा ही था, बट उसको बहुत दिनों से तकलीफ हो रही थी, करीब 5-6 महीने हो गए। उसको मैंने एक दिन जल प्रसाद पिलाया, रोज पिलाती हूँ मैं, और आज वो दिन है और आज का दिन है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा।
तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे ब्लेस करते हैं, इतनी छोटी छोटी बात ब्लेस करते हैं। और मेरे बेटे का भी मैं बताऊंगी कि वो उसको क्या कहते हैं, उसको स्पेक्स लगाए बट स्पेक्स हटा दिया हमने, तो इसलिए स्पेक्स हटा दिया, बट स्पेक्स भी बिल्कुल, अब बिल्कुल स्पेक्स का काम नहीं है, उसको बिना स्पेक्स के दिखता है और बिना स्पेक्स के दिखता भी है और अच्छे से वो रहता भी है, मतलब स्पेक्स के बिना देख के पढ़ लेता है। और संगत जी मैं आपको मेरा गुरुजी मेरा तो यही है कि मेरी जो लाइफ है बहुत चेंज हुई है, मेरी दिनचर्या बहुत खराब थी, बहुत खराब थी संगत जी, मतलब मैं बहुत मेडिसिन खा खा के मैं जो भी हूँ आज, सेकंड लाइफ कह लीजिए मेरी, ये सेकंड लाइफ है, वो मेरे गुरुजी की देन है। और मुझे इतना अच्छा लगता है सत्संग में जाना, क्योंकि सत्संग जो है ना मेरी मेरी जो सोल है ना उसकी भूख है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है सत्संग जाना। और क्या कहते हैं, सत्संग अच्छा लगता है, लंगर खाना अच्छा लगता है। आजकल कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे, कोविड बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, तो बड़ा मंदिर भी नहीं जा पा रहे, तो घर में ही हम कर लेते हैं। घर में मेरे गुरुजी ने मुझे बख्शा है सत्संग कराना, तो एक दिन गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि पहले तो मैं मंथली सत्संग करती थी कि अब वीकली सत्संग भी करो, तो गुरुजी ने मुझे थॉट डाला और मेरे वीकली सत्संग भी हो रहे हैं, एवरी थर्सडे मेरा वीकली सत्संग होता है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी करते हैं, गुरुजी सब सब बख्शते हैं, गुरुजी ने मुझे सेवा भी बख्शी हुई है। गुरुजी मतलब बहुत प्यारे हैं गुरुजी, आप उनको बस संभाल के रखिए, उनको पकड़ के रखिए, चाहे घर में कितनी लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप कभी गुरुजी का दर मत छोड़िए, गुरुजी का दरबार मत छोड़िए। ये कभी मत कहिए कि नहीं मैंने इतनी पूजा पाठ की बट गुरुजी आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, नहीं, गुरुजी आपकी परीक्षा लेते हैं। गुरुजी कहते हैं ना, मेरे दरबार में जब कोई आता है तो मैं उसको नींबू वर्गा निचोड़ता हूँ, नींबू की तरह निचोड़ेंगे, तब नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पहले नींबू की तरह निचोड़ेंगे, अगर उसके बाद भी आप टिक जाते हो, आप आना नहीं छोड़ते, इसका मतलब आप ट्रू डिवोटी हो आप गुरुजी के। तो इसलिए गुरुजी का कभी भी हाथ मत छोड़ना, गुरुजी को कभी भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए वो भी, और ये बोलिए कुछ भी अच्छा हो रहा है तो भी गुरुजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा तो भी गुरुजी कर रहे हैं, उसमें भी कोई भलाई होगी, जो आपको मिल रहा है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिल रहा उसमें भी आपकी भलाई होगी। ये मत कहिए कि नहीं गुरुजी मैंने तो आपसे ये मांगा था आपने नहीं दिया, नहीं, पहली चीज तो मांगो नहीं, मांगो मत मनो, गुरुजी हमेशा कहते हैं मांगो नहीं मनो। अब आप सोचो आप मारुति मांग रहे हो, ठीक है, गुरुजी आपको ऑडी देना चाहते हैं, तो बस फिर वही बात ना, तो गुरुजी कहेंगे मैं तो तुझे बड़ी चीज देना चाह रहा हूँ, तू मुझसे छोटी चीज मांग रही है। तो हमें नहीं पता हम होते कौन है मांगने वाले, हमें पता ही नहीं अपना अच्छा बुरा, हमें नहीं पता, वो बैठे हैं उनको पता है, हमें नहीं पता अपना अच्छा बुरा, गुरुजी को पता है। तो जब हमें पता नहीं है तो हम क्यों मांगे, क्या मांगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं मांगने के लिए, हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास सब कुछ, हमें कुछ मांगना नहीं, बट उनको पता है उनको क्या देना है क्या नहीं देना। तो इसलिए कभी मत मांगे, क्योंकि आप जो मांगते हैं वो गुरुजी को देना पड़ता है, तो गुरुजी को इतने छोटे लेवल पे मत लाइए, कि गुरुजी इतने छोटे लेवल पे मत लाइए, गुरुजी को अपनी मर्जी से करने दीजिए, क्योंकि गुरुजी आपको यहां तक लाए हैं तो गुरुजी ही आपको आगे तक ले जाएंगे। आप ये मत कहो कि नहीं गुरुजी से हमने मांगा, नहीं, मांगो मत, बस सिर्फ मानो, स्ट्रांग फेथ स्ट्रांग ट्रस्ट होना चाहिए कि गुरुजी आपने ये दिया बहुत अच्छा, बहुत शुक्राना, आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, ये सोचिए ये मेरे लिए चीज थी नहीं, अगर आपके लिए थी तो टाइम गुरुजी का होगा, टाइम से आपको मिल जाएगी, जितना टाइम आपको गुरुजी जितना टाइम गुरुजी को लगेगा कि ये चीज अगर तुम्हारे लिए अच्छी है तो ये चीज 3 महीने बाद देनी है, 2 महीने बाद देनी है, ये टाइमिंग गुरुजी का है। और अगर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद भी नहीं मिली
तो वो भी गुरुजी की मर्जी है कि गुरुजी इसमें भी मेरी कोई अच्छाई होगी, कुछ बुरा हुआ, कुछ बुरा होगा तो सोचिए कोई कर्म कट गया। तो इसमें हर चीज में पॉजिटिविटी देखिए। हमेशा गुरुजी कहते हैं किसी में भी, किसी भी इंसान में आप सिर्फ अच्छाई देखिए, क्योंकि हर इंसान के दो पहलू हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ गुरुजी के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट नहीं है तो भी, परफेक्ट नहीं है तो ही आप हर इंसान के सिर्फ अच्छी चीजें देखिए, बुराइयां मत देखिए, अच्छी चीजें देखिए और लोगों को एनकरेज करिए। क्योंकि बुराइयों से लोगों का क्या होगा, जो मोराल होता है ना वो डाउन हो जाता है, उसमें फिर वो नेगेटिविटी जो आप कहते हैं उनसे दूर रहो वो आनी शुरू हो जाती है, वो मत करिए। संगत जी आप अपने आसपास के लोगों को एनकरेज करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको आगे लेकर आइए किसी भी चीज में, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कुछ भी, कोई भी हो। आप कभी भी बच्चों को भी मैं बोलती हूँ ये मत कहिए, ये नहीं कर सकते, तुम नलायक हो, तुम ये हो। हंसी मजाक में बात अलग होती है संगत जी, बट बच्चों पे कभी ये मत बोले, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही सोच हो जाती, वही होना शुरू हो जाता है। अपनी दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदलेगी तो दृष्टि नहीं बदलेगी। अपना देखने का तरीका बदलिए कि हर एक इंसान में कुछ अच्छा है, उस अच्छे को पकड़िए और फिर उसको लेके चलिए। ये कभी मत सोचिए कि नहीं, आप हर इंसान में गलतियां होती हैं, मुझ में भी बहुत गलतियां, मैं भी नलायक हूं। तो ये नहीं कि आप उसके जो नलायकी वाले पॉइंट्स है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ले और उसको बढ़ाए, नहीं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, फिर तो आपकी ब्लेसिंग का भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए संगत जी प्लीज अपने आसपास के एनवायरमेंट को, अपने आजकल माहौल बहुत खराब है, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत लोग बीमारी में है, तो उनको मोटिवेट करिए, उनको बोलिए कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना बोलिए। अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए किसी के लिए भी कुछ भी मत बोलिए, बस अपने घर में सुख और शांति बना के रखिए। कोई कहता कि मेरे घर में आंटी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, कुछ नहीं करना, अपने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दीजिए घर में, अपने मोबाइल पे बोल सॉरी संगत जी घर पे अपने मोबाइल में मंत्र जाप लगाइए, पूरा दिन मंत्र जाप चलने दीजिए, आपके घर का ऑरा बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। मंत्र जाप नहीं लगा सकते तो गुरबाणी सुनिए, गुरबाणी नहीं लगा सकते तो भजन सुनिए, या प्लेलिस्ट चला लीजिए 2 घंटे की, चलती रहेगी चलती रहेगी। अपने घर में कुछ ना कुछ चला के रखिए। मैं हूं, मैं अपने घर में हमेशा मंत्र जाप चला के रखती हूँ संगत जी, और मेरे घर में 24 घंटे मंत्र जाप चलता है। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपने मोबाइल में भी मंत्र जाप धीमी आवाज में चलाती हूँ, इससे मुझे ये लगता है कि मुझे फील होता है कि गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी की प्रेजेंस मुझे फील होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, आप पॉजिटिव रहिए। दूसरी चीज कि मैं ऐसी हूं कि मैं गुरुजी को बस ये बोलती हूँ कि गुरुजी कहीं भी जा रही होती हूँ, गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए, और मैं बैठती हूँ गाड़ी में और मुझे लिटरली आगे गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाती है गुरुजी की, तो मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ है। तो गुरुजी पे विश्वास रखिए कि ये बैठे हैं ना, तो फिर हमें क्यों चिंता करने की जरूरत है, हमें तो शुक्राना करना चाहिए कि कितने लोगों को, कितने लोग कोविड से कितनी वो हो गए हैं, डेथ्स हो गए हैं, बट हम बैठे हैं गुरुजी के उसमें, तो हमें शुक्राना करिए कि शुक्राना गुरुजी कि हमें, हम आपकी छत्र छाया में बैठे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है हमारे ऊपर आपका हाथ है। बस सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, टोटल सरेंडर, कि अच्छा हो रहा है तो भी गुरुजी कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो भी गुरुजी कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, कुछ गलत नहीं करेंगे गुरुजी, गुरुजी हमेशा आपका भला करेंगे, क्योंकि हम गुरुजी की बेटियां हैं और गुरुजी कहते हैं ना कि मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, तो हम गुरुजी की बेटियां हैं, गुरुजी की इतनी प्यारी प्यारी, इतनी सुंदर सुंदर बेटियां हैं, इतने अच्छे अच्छे सत्संग कर रही हैं। तो संगत जी प्लीज
अपने आप को वापस नेगेटिविटी में मत ले जाइए, ये टाइम भी निकल जाएगा, बस इस टाइम को भी हमने स्ट्रांगली फेस करना है, फेथ से फेस करना है, गुरुजी पे फेथ और स्ट्रांग करना है, उन पे ट्रस्ट और स्ट्रांग करना है, अपना ट्रस्ट कभी खोने मत देना। आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, मत अफसोस करिए कि गुरुजी हमें बड़े मंदिर मत, तो घर घर में बैठे हैं गुरुजी, आप घर में बैठ के पूजा करो, घर में बैठ के पाठ करो, जो करना आप करो। और संगत जी, कई संगत मुझसे ये पूछती है कि आंटी हमें कितनी देर पाठ करना चाहिए, कितनी देर हमें बैठना चाहिए। कोई ऐसा गुरुजी ने कुछ भी ऐसा नियम नहीं बनाया है। अगर आप 10 मिनट भी गुरुजी के आगे जो जला के बैठ जाते हैं वो भी उतना ही पावरफुल है, बस सिर्फ 10 मिनट गुरुजी और आप, उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। आधा घंटा भी बैठ जाओ, एक घंटा भी बैठ जाओ, जितना आपका भाव है आप उतनी देर बैठिए, बट सच्चे दिल से बैठिए, सच्चे मन से बैठिए और गुरुजी का मंत्र जाप करिए। बहुत पावरफुल मंत्र जाप है, बहुत पावरफुल है। प्लीज गुरुजी, प्लीज संगत जी, इस मंत्र जाप को करते रहिए, चलाते रहिए। यही हमें इस कष्ट से बाहर निकालने वाला है, गुरु संगत जी, यही इस कष्ट से बाहर निकालने वाला है। अपने घर में जल प्रसाद रखिए गुरुजी का, गुरुजी का एक ग्लास में जल प्रसाद रखिए और मंत्र जाप करते हैं तो रात को, शाम को मंत्र जाप किया उसको रात भर रखे रहने दीजिए, सुबह उठ के उस ग्लास से पानी पीजिए और सारी सारे घर को पिलाइए, सारे सबको पिलाइए। लोटा ब्लेस कराना है, लोटा ब्लेस करते हैं संगत जी, कहते हैं कि लोटा ब्लेस कराना है, बट आजकल मंदिर में नहीं हो रहा, तो कोई चिंता मत करिए, एक नया लोटा लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करिए, साबुन से नहीं धोना, उसको नींबू से धोइए, राख से धोइए, या फिर नींबू से और राख से धोइए और उसको धो के बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल पानी भरिए, उस लोटे को गुरु जी के स्वरूप से लगा दीजिए और बस 7 बार मंत्र जाप करिए, वो आपका मंत्र जो है ब्लेस्ड लोटा हो गया, उसको आप गुरु जी के आगे रख दीजिए और वो जल प्रसाद बन गया, उसे आप नेक्स्ट डे उठ के जल प्रसाद पी सकते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने हमारे लिए बहुत छोटी छोटी चीजें करी है, तो उनको समझिए, कोई अहम नहीं, कोई वहम मत करिए कि नहीं अभी नवरात्रे आ रहे हैं, कोई संगत कह रही आप प्याज खाते हो, आप ये नहीं, नवरात्रि में सब खाते हैं, प्याज भी खाते हैं। आपने नवरात्रों वाला सत्संग भी सुना होगा एक, कि एक आंटी पहले बड़े मंदिर गई थी तो गुरुजी ने उनको बोला कि आप पर नवरात्रि के दिन बोला कि प्रसाद खाओ, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं खाऊंगी, तो गुरुजी ने बोला क्यों नहीं खाओगी, तो गुरुजी मेरा फास्ट है। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी कहीं गए, फिर थोड़ी देर बाद आए कि प्रसाद खा लो आंटी, कहते नहीं मेरा फास्ट है। फिर गुरुजी कहीं गए, कहीं बाकी संगत को देखने गए, फिर थोड़ी देर बाद आए, फिर आंटी को बोला कि आंटी प्रसाद खा लो, तो आंटी ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी मेरा फास्ट है। तो गुरुजी ने क्या कहा, चल हुन तू मेरे साथ किचन में चल, मैं किचन में तेरे को कुछ दिखाता हूँ। तो आप यकीन मानो कि क्या हो रहा था किचन में, 9 देवियां मिलके लंगर प्रसाद बना रही थी गुरुजी का। तो आप सोचो वो लंगर जो 9 देवियां बनाती हैं, तो वो हम खा सकते हैं, वो प्रसाद है, वो नवरात्रों में भी खा सकते हैं, व्रतों में भी, व्रत में भी खा सकते हैं। तो इसलिए संगत जी, कोई वहम मत रखिए, जो भी गुरुजी का प्रसाद है, चाय प्रसाद है, जल प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, उसमें सब में बहुत मेडिसिन होती है, प्लीज उसको खा लीजिए, उसको खाया करिए। अगर आप मंदिर जाते भी हैं, अभी आजकल तो फास्ट है, तो लंगर प्रसाद करिएगा, बिल्कुल करिएगा, तो छोड़िएगा नहीं। बहुत सारी चीजें गुरुजी ने समझाई हैं कि गुरुजी कहते हैं कि नहीं, हमें अपने से नीचे नीवा होके चलना चाहिए, बस कि हमें घमंड किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। आप सब कोई संगत मुझसे पूछती है हम कैसे पूजा करें, हम कैसे गद्दी लगाएं, हमारे पास गद्दी की जगह नहीं है, हम गद्दी नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, गुरुजी ने ये नहीं बोला कि आप गद्दी लगाओ प्रॉपर, जिसका जैसा भाव है, जिसका जैसा फाइनेंशियल कंडीशन है, घर जैसा है, वैसा ही कर सकता है। अगर आप गद्दी नहीं लगा सकते, हाँ ठीक है, आप सत्संग के लिए कर सकते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते, आप एक प्लास्टिक की चेयर लीजिए, उसपे
और कुछ चोला अगर नहीं है तो चोला भी मत लीजिए, आपकी जो नई साड़ी है उसी का आप, उसी से आप गुरुजी को तैयार कर लीजिए, चेयर पे लगा दीजिए, या फिर नया सूट कोई या नई चादर कुछ भी है तो उससे गुरुजी का चोला बन जाएगा, उससे गुरुजी को तैयार कर दीजिए और एक कुशन जो है नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर गुरुजी के चरण स्वरूप, बस सिंपल। और फूलों से, फूल भी ये नहीं, ज्यादा फूल नहीं चाहिए, बस गेंदा और उसके फूल चाहिए। तो इसलिए आप इतना वहम मत करिए, जो है उसी में गुरुजी का, उसी में गुरुजी खुश है। गुरुजी हमेशा कहते थे मुझे कोई बड़ा डेकोरेशन वाले सत्संग नहीं चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए। तो सिंपल ही रखिए। अगर संगत के भाव है कि आप बड़ा कर सकते हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, घर बड़े हैं तो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। जिनके घर छोटे हैं, जो नहीं कर सकते, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, फिर भी उनके मन में होता है कि हम करेंगे, हमें अपने घर में गद्दी लगानी है, बट हम कैसे करें, सत्संग भी कैसे करें, हमारे घर में जगह नहीं। आप बस इतना करिए, बाकी सब गुरुजी करा देते हैं। तो इतना सोचिए मत, छोटी छोटी चीज, बहुत छोटी छोटी चीजें, गुरुजी को आप बस सिर्फ प्यार से, भाव से लेकर आइए, गुरुजी कहीं भी आप रह लेंगे, कहीं भी रह लेते हैं गुरुजी। कुछ भी आप गुरुजी को प्यार से कुछ भी बना के खिलाइए, गुरुजी आप कुछ भी खा लेंगे। गुरुजी को बिस्किट खिला दीजिए, एप्पल खिला दीजिए, गुरुजी को दही खिला दीजिए, गुरुजी को रोटी पराठा खिला दीजिए, आलू का, गुरुजी को कुछ भी खिलाइए, दाल रोटी खिला दीजिए, सब खा लेंगे गुरुजी। तो इतना वहम मत करिए संगत जी कि नहीं हाय गुरुजी को हम क्या खिलाएं, हाय हमने, और बिल्कुल देखा देखी मत करिए संगत जी कि नहीं उसके घर में तो इतना अच्छा चोला लगा था गुरुजी, मेरे घर में तो ऐसा है, मेरे घर में तो इतना अच्छा चोला ही नहीं है। नहीं संगत जी, इतना ऐसे बिल्कुल भी भाव मत लाना संगत जी, क्योंकि ये हर संगत के अपने अलग अलग भाव है, उनका अलग अलग अपना कनेक्शन है संगत जी गुरुजी के साथ, और उनकी अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन है। आप ये बिल्कुल मत कहिए कि नहीं जी आपके यहाँ इतना अच्छा चोला बिछा और हमारे यहाँ तो है ही नहीं। नहीं संगत जी, नहीं, मेरे यहाँ भी पहले ऐसे होता था, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि नहीं था गति, नहीं थी चोले, तो मैं अपने सोफे पे ही लगा देती थी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, कोई अच्छी चुन्नी है आपकी, डेकोरेशन वाली चुन्नी है, उसी का आप चोला बिछा दीजिए, प्लास्टिक चेयर लीजिए, उसी से आप गुरुजी को डेकोरेट कर दीजिए, उसी कुर्सी को डेकोरेट कर दीजिए, और बस गुरुजी को विराज कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए, गुरुजी विराजमान हो भी जाएंगे। तो संगत जी, इतनी छोटी छोटी चीजों पे ना आप ये मत करिए कि नहीं हम तो बस ये देखते हैं कि नहीं हमें बड़ा बुरा लगता है उनके पास इतना, नहीं ये सोचिए मत। जो गुरुजी आपको दे रहे हैं उसमें खुश, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। हो सकता है आपको इससे भी अच्छी चीज दें, जो हमारे पास है उससे भी अच्छी चीज दें आपको। तो ऐसे एक दूसरे को देख के ना आप बिल्कुल संगत जी परेशान मत होइए कि नहीं उन्होंने वो ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करें। नहीं, अपनी चादर में रहकर आप करिए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गुरु जी हमेशा ये कहते थे अपनी चादर में रह के काम करो बहुत अच्छा है, चादर से बाहर रह के करोगे तो आपको ज्यादा आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्रॉब्लम मत करिए, इतना वहम, इतना कुछ भी मत करिए। अब कई लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं संगत जी कि नहीं हम क्या कहते हैं पी हम जो है, हाँ जी, तो संगत जी तो इसलिए इतना वहम मत करिए। कई संगत कहती है कि नहीं हम जल प्रसाद कैसे रखें, हम चाय प्रसाद कैसे रखें, हमारे पास गुरुजी का कप नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, प्लीज संगत, गुरुजी का कप नहीं है, गुरुजी का एक नया कप ले लीजिए आप, जरूरी नहीं है उसमें गुरुजी बने हुए हैं, नया कप ले लीजिए, वो कप रखिए गुरुजी का, उसमें गुरुजी को चाय का भोग लगाइए, रखिए गुरुजी के लिए नया ग्लास रखिए, गुरुजी के लिए नई प्लेट्स रख लीजिए, बस स्टील की प्लेट रखिए, उसी में भोग लगा दीजिए, उसमें जल प्रसाद रख दीजिए, और एक नया कप ले लीजिए, आ जाएगा 100 रुपए तक का एक कप, उसमें आप चाय बना के रख दीजिए। ये मत सोचिए अब हमारे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं, अरे चिप्स है, बिस्किट है, वही रख दीजिए गुरुजी को, बाकी जो आप दाल रोटी खा रहे हैं वो भोग लगाइए, हो गया सत्संग, थोड़ा सा प्रसाद बना लीजिए, थोड़ा सा मीठा का प्रसाद बना लीजिए, बस संगत जी बहुत इजी है।
गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे लिए आप बहुत तामझाम, बहुत ज्यादा तामझाम करो, ऐसा कुछ नहीं है। संगत जी बिल्कुल आराम से आप सेवा करिए, गुरुजी के सत्संग कराइए, और गुरुजी के जो स्वरूप होते हैं वो सिर्फ बड़े मंदिर से लेने चाहिए, बड़े मंदिर से ही लेने चाहिए। मेरे पास जितने भी स्वरूप हैं वो सारे बड़े मंदिर से ही हैं। एक कैलेंडर था उसके स्वरूप थे, उसके स्वरूप लगाए हुए हैं, और बस यही सब था। और कल मेरा मंथली सत्संग है संगत जी, तो बस मैं वहीं बैठ के शिवपुराण की सेवा मिली हुई है, मैं वहीं बैठ के पढ़ूंगी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है मतलब, और इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं कि मतलब इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की कि हर जगह गुरु जी अपनी फील कराते हैं। मतलब मैं बड़े मंदिर जा रहे थे, हम लास्ट मंथ जब खुला हुआ था ई पास का, लास्ट टू लास्ट मंथ, तो मैं और राहुल अंकल आ रहे थे, तो हमने वहां पर बड़े मंदिर में दर्शन किए और हमने कोई चीज टच नहीं करी, लेकिन जब हम बड़े मंदिर से आ रहे थे तो हम दोनों के हाथ में ना रोजेस की फ्रेग्रेंस, और मैं परेशान, मैंने कहा ये रोजेस की फ्रेग्रेंस क्यों आ रही, बहुत ज्यादा आ रही थी। जब हमने हाथ अपने स्मेल किए तो हाथों में, तो मैंने कहा हमने वहां तो कुछ छुआ नहीं, कोई रोज को नहीं छुआ, कुछ भी नहीं, तो भी मतलब आप ये देखो कि गुरु जी हमारे साथ साथ आए, तो ये प्यार है गुरु जी का। गुरु जी के लिए प्यार रखिए, दीवानापन पागलपन रखो कि गुरु जी ही सब कुछ है, सब कुछ करने वाले, सब कुछ हमारे बच्चों को देखने वाले, मतलब पूरा सरेंडर आप जो है गुरु जी के आगे कर दो कि गुरु जी ये घर मेरा नहीं है। जैसे मैं बोलती हूँ ये घर मेरा नहीं है, ये घर गुरु जी का है, गुरु जी बैठे हैं तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, ना मेरे बच्चों की ना मेरे, गुरु जी बैठे हैं ना तो संभालेंगे, वो बच्चे भी गुरु जी के बच्चे मेरे नहीं, तो गुरु जी बैठे हैं संभालने के लिए। और पता है मुझे, यकीन है गुरु जी पे कि गुरु जी संभालेंगे, गुरु जी कभी मेरे बच्चों के लिए कभी मेरे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, गुरु जी हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो घर के बड़े हैं, वो भाई हैं मेरे, फादर हैं। देखिए मैं उनको राखी बांधती हूँ, देखिए राखी बांधती हूँ, राखी बांधी हुई है, तो गुरु जी बहुत प्यारे हैं, प्लीज उनको प्यार दीजिए, भाव दीजिए अपने, और कोई अहम वहम नहीं पालिए कि नहीं है ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, हाय ये क्यों काट, वो सब वहम इफ एंड बट्स छोड़ दीजिए। गुरु जी कहते हैं ना, जब तुम मेरे दरबार आओ तो अपनी जूतियों के साथ अपना दिमाग छोड़ के आना, नो डाउट नो इफ्स एंड बट्स, जैसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी वैसी ब्लेसिंग्स ले लीजिए। ये मत कहिए कि नहीं आपको, आपने उसको तो स्वप्न में दर्शन दिए, ड्रीम में दर्शन दिए, आपने मुझे क्यों नहीं दिए, क्या मैं आपकी कम ब्लेस संगत हूँ, क्या मैं आपकी कम प्यारी संगत हूँ, नहीं संगत जी, सब संगत बराबर है गुरु जी के लिए, सब संगत ब्लेस्ड है, बस सिर्फ सबके गुरु जी के सबको ब्लेस करने के तरीके अलग अलग है। प्लीज संगत जी इतना डाउट मत करिए। अब कोई संगत कहती है कि नहीं आपको तो फेस दर्शन हुए, आपको तो शिव जी के भी दर्शन हुए हैं, उसपे अमृत वर्षा भी हो रही है, हमारे तो कभी नहीं हुआ, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि गुरु जी की लीला है, गुरु जी की लीला वो ही जाने, गुरु जी के तरीके हैं बस ब्लेस करने के लिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ब्लेस नहीं है, सारे बच्चे ब्लेस्ड है, सारे बच्चे गुरु जी के, बस सिर्फ गुरु जी का तरीका अलग है सबको कुछ कुछ देने का, बस उस तरीकों को आपको लेना है, समझना नहीं है, वो तरीका हमें समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं सकते कुछ भी, वो बैठे हैं ना, हमारे तो है ही नहीं ये, बिल्कुल ये तो गुरुजी ने ले लिया हमारा, तो गुरुजी जैसे चलाते हैं वैसे चलते जाओ बस, और नो इफ्स एंड बट्स, नो इश्यूज, नो इधर उधर, जैसा करते जा रहे हैं, जैसी सेवा मिलती जा रही है, जैसे करते जा रहे हैं, जैसी सेवा देते जा रहे हैं, जैसे चलाते जा रहे हैं, गुरुजी बहुत बहुत बढ़िया चला रहे हो आप, बस ये बोलो गुरुजी से, सिर्फ इतना ही बोलो, गुरुजी शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, हर दिन का हर पल का शुक्राना, और सिर्फ ये बोलो गुरुजी शुक्राना फॉर एवरीथिंग, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बस इतना कि गुरुजी अपने चरणों से कभी मत अलग करना, अपने
से कभी भी दूर मत करना, अपने चरणों में हमेशा लगा के रखो, एक चंगा इंसान बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ। और मुझे, हम सबको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव बातों से दूर रखिए, और हम सबकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी हो, और हमें अच्छी